हेलो एवरीवन, फिर से एक बार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो। अब ये नेक्स्ट वीडियो आपने देखने से पहले आप ये इंश्योर कर लो कि आपने इस केमिकल काइनेटिक्स सीरीज का लास्ट वीडियो देखा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस आती जाएगी और आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम जहां पे रुके थे आज हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। मैंने यहां पे हेडिंग पुट किया है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने मेरे लास्ट वीडियो में जाते जाते ये आपको बताया भी था कि इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो। बहुत से बच्चों के रिस्पॉन्सेस भी मुझे मिले हैं, उन्होंने वो ट्राई किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ देम। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे और एक डेरिवेशन, ऐसा डेरिवेशन जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा लाने की यहां पे कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हम जहां रुके थे एग्जैक्टली वहीं से हमको अब स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और वो यहां पे आके रुक गया था, लॉग टू द बेस 10 एटी इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए जीरो माइनस के टी अपॉन 2.303। ये यहां पे हम आके रुक गए थे और अब आगे, अब जब इसको हमको आगे ले जाना है तो हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने के बारे में डिस्कस किया था, टी के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत बार जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको या तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ सकती है या आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। ए जीरो हमारा होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो यूजुअली प्रॉब्लम में गिवन रहता है, और 80 होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर मुझे करना है तो ये 80 को इधर भेज देता हूं और माइनस के टी बाय 2.303 को इधर ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे लिए के टी डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए जीरो माइनस log to the base 10 a t। क्लियर? अब बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है log a माइनस log b, तो ये होता है log of a by b। सो यहां पे वैल्यू आएगी log to the base 10 a 0 by a t। अब ये a 0 डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन है तो इसको आप ऐसा डब्बे में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर वैल्यू है मेरे पास के टी बाय 2.303। अब इसमें से मैं दो वैल्यूज ऑप्टेन कर सकता हूं, या तो मैं k की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं या मैं t की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट के, इसलिए मैं के की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये 2.303 इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आएगा। सो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग टू द बेस 10 ए जीरो बाय ए टी। ये डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन है, सो 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग टू द बेस 10 ए जीरो बाय ए टी, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सटेंशन है।
जो कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त डेफिनेटली यूज करना पड़ सकता है। अब हम जाएंगे हमारे हेडिंग के ऊपर, जहां पे हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मेरा ये अजम्पशन है कि आपके पास में कॉपी पेन आप लेके बैठे हो और साइड बाय साइड इसको आप समझ रहे हो और लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अपनी नोट्स बनाना सेहत के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है। ओके, ठीक है, तो के की वैल्यू यहां पे मुझे मिल गई 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग टू द बेस 10 a0 बाय 80। अब हमें जाना है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ देखी थी और उस वक्त हमने ये बताया था कि अगर इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन है 100%, तो हाफ लाइफ मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन 100 से 50% जहां तक आ जाएगा वो हो जाएगा उसका हाफ टाइम, और जब वो 100 से जीरो हो जाएगा वो उसका हो जाएगा फुल टाइम, या जिसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम। क्लियर? अब सेम कंसेप्ट है जो हमें यूज करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। अब अगर ये मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है a0 और ये मेरा 80 मींस रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, तो जब मैं बात करता हूं हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ को डिफाइन कैसे किया जाता है, सो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ। जितना वो पहले रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन को हाफ आते आते जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे हाफ टाइम। क्लियर? हाफ टाइम क्लियर हो गया। अब यहां पे वो डिफाइन करते वक्त मुझे जरा बताओ कि ये जो 80 होगा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन वो कितना होना चाहिए। सर लॉजिक अगर लगाया जाए तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ होना चाहिए, आधा होना चाहिए। इसका मतलब ये है एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, हाफ टाइम एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, वैल्यू फॉर 80 इज इक्वल टू a0 बाय 2। वैल्यू ऑफ 80 इज इक्वल टू a0 बाय 2। इसमें कोई डाउट है? फिर से एक बार देख लो। सर हाफ टाइम वो टाइम होता है जब आपका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट से हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा, टोटल गेम का पीरियड होता है 90 मिनट्स, बट 45 मिनट्स के बाद में वो एक ब्रेक लेते हैं और उसको बोला जाता है हाफ टाइम, उसको बोला जाता है हाफ टाइम, क्योंकि 90 से वो स्टार्ट हुआ है मींस 90 तक उसको जाना है, तो हाफ कहां पे होगा, 45 पे। सिमिलरली अगर वो a0 उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो हाफ टाइम मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने तक जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टी हाफ, और उस वक्त ये आपका जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो होगा एग्जैक्टली हाफ टू दैट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एग्जैक्टली हाफ टू दैट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये इसको अगर मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यूज को पुट करता हूं। देखो मुझे वैल्यू मिलने वाली है के की, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू बन गई टी हाफ, ये टी की जगह पे मैंने लिख दिया टी हाफ, लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 डिवाइडेड बाय 80। कितना बचा मेरे बच्चों, कितना बचा, इट इज a0 बाय 2।
सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो डिवाइडेड बाय टू। अब ये ए जीरो मर जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी हाफ लॉग टू द बेस 10, बच रहा है 2। आपके पास में लॉग टेबल अवेलेबल है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सो ये वैल्यू बन जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाय टी हाफ, किसके लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे, के के लिए। अब ये मल्टीप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हो, बहुत ही आसान मल्टीप्लीकेशन है। और अगर यहां से मुझे वैल्यू चाहिए टी हाफ की, तो टी हाफ इधर ले लो, के को इधर डाल दो। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जब भी कभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स में पॉसिबिलिटी देखो, या तो वो पूछेगा के फाइंड आउट करो, तो टी हाफ दिया होगा, या तो वो पूछेगा टी हाफ फाइंड आउट करो, तो के दिया होगा। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन तो देते ही है। अगर ये फाइंड आउट करने को बोला, तो के और टी हाफ की वैल्यू भी वो दे देंगे, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज कौन सी है, कौन से अननोन्स आपको फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे, तो यहां से अगर मुझे चाहिए टी हाफ, तो इस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आती है 0.693, घर पे चेक कर लेना, डिवाइडेड बाय के। 0.693 डिवाइडेड बाय के, दिस इज योर टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ही आपने ये ऑब्टेन किया, इस टी हाफ को आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ के साथ में कंपेयर कर सकते हो। उधर हमारी वैल्यू थी टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो बाय टू के, अगर याद होगा, अगर नहीं है तो केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वीडियो देख लो, वहां पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो बाय टू के, इधर मिला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं यहां पे आपके सामने पुट कर रहा हूं, जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है। कंक्लूजन ये है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो 100% है, वो 50% है, वो 10% है, वो 5% है। टी हाफ को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ऑन द अदर हैंड, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन ए जीरो बाय टू के। तो ए जीरो क्या है, ए जीरो इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर से एक बार ये इक्वेशन की तरफ ध्यान दो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ जीरो ऑर्डर, ये के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि बहुत बार हमको न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, बिल्कुल यूज करना पड़ सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, लिख लिया
पक्का मिटा दे, मिटा दे, ये हो गया है आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इससे रिलेटेड आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज न्यूमेरिकल, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, और वो होमवर्क आपको सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करना है। क्वेश्चन इज, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 60% ऑफ द 60% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इन 45 minutes। कैलक्यूलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। कैलक्यूलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब देखो बच्चों, ये परसेंटेज के फॉर्म में उसने एक्सप्रेस किया है, और एक्सप्रेस करते वक्त बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम बोल रहा है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ द रिएक्टेंट्स डीकंपोजेस इन 45 मिनट्स। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते वक्त हमारा अजम्पशन ये होगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सो A0 इसको अज्यूम करेंगे हम 100% है। अब उसमें से 60% क्या हो गया, तो उसमें से 60% डिकम्पोज हो गया, गायब हो गया, तो मुझे बताओ बचा कितना। सर अगर हम इनिशियल 100% ले रहे, उसमें से 60% गायब हो रहा है, सो व्हाट इज 80? 80 इज इक्वल टू 100 - 60 = 40। ये यहां पे बहुत ध्यान से पढ़ने की और समझने की चीज है। बहुत बार बच्चे यहां पे गलती करते हैं और 80 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं 60। नहीं, वो गलत है। प्रॉब्लम को पढ़ो सो दैट आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। क्या इसने बोला 60% रिमेन है? नहीं, वो बोल रहा है 60% डिकम्पोज हो गया है, मतलब गायब हो गया है, डिमिनिश हो गया है। कितने टाइम में? सो टी की वैल्यू दी है उसने 45 मिनट्स। अब क्या ये इसका हाफ लाइफ है? डेफिनेटली नहीं है सर, वो तो हमको कैलकुलेट करना है। बट एक कॉमन सेंस है कि अगर 60% को डिसअपियर होने में, डिकम्पोज होने में 45 मिनट्स लग रहे, तो 50% को कितना टाइम लगेगा? कॉमन सेंस कहता है 45 मिनट से कम टाइम लगेगा। मतलब हमको हमारे आंसर की एक रेंज मिल गई है कि हमारा आंसर किसके बीच में होगा, हमारा आंसर किसके बीच में होगा। क्लियर? अब यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला ऐसा था कि इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। अब ये फॉर्मूला जब मैंने लिखा था, तो आपको यहां पे अब सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करने हैं,
और आंसर को ऑब्टेन करना है। अब देखो यहां पे 2.303 टी की वैल्यू कितनी है 45, लॉग टू द बेस 10 A0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 है 100, डिवाइडेड बाय एटी की वैल्यू है 40, 100 डिवाइडेड बाय 40 कितना होता है 2.303 डिवाइडेड बाय 45 लॉग टू द बेस 10 2.5 लॉग टू द बेस 10 2.5 लॉग 2.5 आप लॉग टेबल से देख सकते हो, मैं भी देख रहा हूं, उसका आंसर आता है 0.3979 आंसर आता है 0.3979 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 45 किसकी वैल्यू मिलेगी, उस पे से आपको वैल्यू मिलेगी के की। कैलकुलेशंस करने के बाद के का आंसर आएगा, करो कैलकुलेशंस, 0.0204 ये हमने कैलकुलेट किया है के, किसका है ये के, ये के डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। सर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट के लिए फिर से वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 जहां पे हमने इसके यूनिट्स देखे, अब यहां पे ये टाइम मिनट में है इसलिए इसका यूनिट है मिनट इनवर्स, इसलिए इसका यूनिट है मिनट इनवर्स। बट क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, आंसर इज नो, क्योंकि ये तो सर के हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0204, इसका आंसर आएगा 34 मिनट्स, इसका आंसर आएगा 34 मिनट्स। अब बच्चों यहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला कंसेप्ट मत लगाना, सर ये 60% गायब हो रहा है 45 मिनट्स में, फिर 30% गायब होगा 22.5 मिनट्स में, सो ऐसे कैलकुलेशंस करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो, फॉर्मूला अप्लाई करके ही आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एक मैं होमवर्क देने जा रहा हूं, होमवर्क को प्लीज लिख लीजिए, ये हो गया है, मिटा दे इसको, एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30% ऑफ द रिएक्टेंट डीकंपोजेस इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूं, आई होप आप राइट कर रहे होंगे, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, फिर से हम मिलने वाले हैं, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।